तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं खेलने वाला हूँ गैस स्टेशन सिमुलेटर। ये आपको पता ही होगा, ये टेक्नो गेमर्स ने भी खेला था, तो मैं भी एक बार खेल के देखने वाला हूँ। तो प्रेस की टू स्टार्ट, तो हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है और मैं न्यू गेम सेलेक्ट करता हूँ। जब तक गेम स्टार्ट हो रहा है आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। और गेम भी स्टार्ट हो चुका है समवेयर ऑन Route 66। तो कोई Route 66 नाम का कोई रोड है और ये मेरा प्लेयर यहाँ पर कार चला रहा है और उसकी ग्राफिक्स नोटिस करो गाइस, गेम के क्या तगड़े। अभी ये अपनी कार को कहीं तो लेकर जा रहे हैं लेकिन वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं है। यहाँ पर एक इसके कार में जो पेट है वो बहुत भयंकर लग रहा है। तो फाइनली ये कहीं पर आके अपनी कार रोक दी। यहाँ पर फॉर सेल का कुछ नाम का बोर्ड लगा हुआ है। अपनी कार अभी रिवर्स ले रहे और शायद से यहीं पर अंदर पार्क करने वाला है। और यहाँ पर कुछ डस्ट बाउल भी लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर द ओनर ऑफ डस्ट बाउल गैस स्टेशन। ओके गाइस, तो अभी हम ये ओनर बन चुके हैं यहाँ के गैस स्टेशन के। 12 आवर्स लेटर, 12 घंटा हो चुके और मैं यहाँ पर कहीं तो सोकर उठ रहा हूँ। पता नहीं ये शायद से गैस स्टेशन ही है और ये कैसी कबाड़ा जगह है, देख सकते हो गाइस, बहुत ज्यादा खराब जगह है। और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है अभी। यहाँ पर बहुत सारी कूड़ा भी रखा हुआ है, क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? मैं उसको उठा तो सकता हूँ लेकिन अभी मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक और कूड़ा का कचरा है, कूड़ा फेंकने वाला डस्टबिन भी है, मैं इसको निशाने लगा के फेंक चुका हूँ। और एक और यहाँ पर इसको भी उठा के फेंकते और चलते हैं नीचे एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जल्दी जल्दी से नीचे चलता हूँ और नीचे बहुत ज्यादा खराब एरिया है शायद से, तो मैं अभी कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लेफ्ट में एक घर दिखा है, वहां पर चलते हैं। और यहाँ पर शायद से लाइट गई हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो मैं अंदर चलता हूँ घर के। मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लैंक लगे हुए, मैं एक एक करके निकालता हूँ और ये लास्ट वाला इसको भी फेंकते। और अंदर कैसा हाल हुआ है घर का, यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी मची हुई है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और मुझे एरिया भी एक्सप्लोर करने यहाँ के। और ये रहा डस्ट बाउल नाम का हमारा ही गैस स्टेशन है ये। और अभी मुझे एक टास्क मिला है, फाइंड द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्न ऑन द लाइट। तो लाइट गई हुई थी और ये शायद से क्या, ये नहीं है गाइस। और ये लीवर हमारे गैस स्टेशन को ओपन क्लोज करने गए। तो अभी मुझे ढूंढना है हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर सकते। तो यहाँ कहीं तो है नहीं और मुझे वहां पर दिख रहा है वहीं से शॉर्ट सर्किट आ रहा है, तो वहां पर चलकर देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक लीवर दिख रहा है, मैं इसे खींच दूंगा तो यहाँ पर लाइट आ जानी चाहिए। तो लाइट आ भी चुकी है, मेरा गैस रॉन्ग नहीं था। और यहाँ पर अभी मैं और एरिया एक्सप्लोर करता हूँ और यहाँ पर शायद से कॉल आया हुआ है मुझे, मैं उठा लेता हूँ जाके। वहां पर मैंने देखा था डस्ट बाउल के सामने, यही कहीं पर रहना चाहिए। यहाँ पर फ्यूल भरने लगा और वो आगे ही रिंग कर रहा है, फोन की आवाज भी आ रही है, मैं जाकर उठा लेता हूँ। हाँ तो भाई कौन है? तो यहाँ पर एक बंदा बात कर रहा है, मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, मैंने इससे बात कर ली और ये मुझे बोला कि ये जो तुमने प्रॉपर्टी बाई की ये मेरे पहले डैड की हुआ करती थी। तो अभी ये मुझे कह रहे हैं कि तुम ये गैस स्टेशन को संभालो, मैं तुम्हारी समय समय पर मदद करते रहूंगा। और अभी ये बंदे ने मुझे एक ईमेल भेजा हुआ है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के पास रखा हुआ। ये रहा हमारा गैस स्टेशन का घर, तो अंदर चलते हैं। अंदर तो पूरा कूड़ा रखा हुआ है और यहाँ पर ये रहा मेरा कंप्यूटर, इसको ऑन करते। और ये रहा ईमेल, तो ओके गाइस मैंने ईमेल पढ़ लिया है और इसने बोल रहा था कि अगर तुम्हें लोन चाहिए होगा तो तुम बता देना। तो अभी मुझे एक एक्सकेवेटर ढूंढना और ये रहा इसका नाम रूडी है। जो भी रास्ते पे मिट्टी पड़ी हुई है उसे हमें उठा के साइड में रखवाना है, तो इसको लेकर चलते हैं सैंड के पास। मुझे अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है पूरे गैस स्टेशन की साफ सफाई करने में और ये गैस स्टेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक सेकेंड, इसमें फ्यूल खत्म हो चुका है, मुझे अभी कैन ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर एक कैन मिला है फ्यूल भरने के लिए, इसको हम उठाते और चलते हैं एक्सकेवेटर के पास फ्यूल भरने के लिए। तो ये रहा एक्सकेवेटर, यहाँ पर इसकी टंकी फुल करते। लेकिन एक सेकेंड, ये जा रहा क्यों नहीं है? तो ओके गाइस, ये कैन जो है खाली और हमें लेकर जाना पड़ेगा ये टैंक के पास, इसमें से फ्यूल आता है तो भरते इसको फुल। फ्यूल तो भर चुका है और मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ एक्सकेवेटर के पास, इसका नाम है रूडी। तो इसको हम अंदर फ्यूल भरते फुल, टंकी इसकी आज फुल ही कर देनी है मुझे। तो इसमें हम बैठते और चलते हैं सैंड को फेंकने के लिए। तो मैं इसमें बैठ चुका और इसकी टंकी भी फुल है, अब ये एकदम स्पीड भागने वाली है। और आगे ही मुझे वहां पर बहुत सारी मिट्टी दिख रही है रोड पर, इसको उठाते और आगे लेकर चलते हैं। अभी मुझे लेकर जाना है शायद से वहां पर फेंकने के लिए साइड में, तो इसको लेकर चलते वहां पर। तो ये रही वो लोकेशन जहाँ पर हमें पूरी मिट्टी को डाल देना है। यहाँ पर मैं पूरी मिट्टी फेंक चुका और अभी मैं इसको लेकर चलता हूँ कहीं सेफ जगह में, मैं इसको पार्क कर दूंगा क्योंकि आगे भी काम आने वाली है। ये जगह सही लग रहा है, यहाँ पर मैं पार्क कर देता हूँ। तो मैंने रूड को पार्क कर दिया और अभी मुझे गैस स्टेशन ओपन करना है क्योंकि मुझे थोड़े बहुत पैसे कमाने। तो ये रहा गैस स्टेशन डस्ट बाउल, यहाँ से लीवर को ओपन कर देते और ये हमारा डस्ट बाउल ओपन हो चुका है गैस स्टेशन। और अभी ढेर सारे यहाँ पर कस्टमर आने वाले, तो मेरे पास अभी फ्यूल की कमी है, तो मुझे अभी फ्यूल ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर में जाके। और मेरा कंप्यूटर है गैस स्टेशन के घर के अंदर, तो ये रहा कंप्यूटर, इसको ओपन करते और फ्यूल ऑर्डर कर देते पैसे दे के। यहाँ पर मैं 100 लीटर्स कर सकता हूँ लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो जितने पैसे उतने के ऑर्डर कर लेते। तो मैं ऑर्डर कर दे और थोड़ी देर में आने वाला है फ्यूल लेकर। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं,
हैं तो वेट कर लेते कस्टमर का। तो ओके गाइस, जो मैंने फ्यूल ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है। यहाँ पर एक कस्टमर आया, वो भी पुलिस वाला, तो मैं इसके कार में जल्दी से फ्यूल भर देता हूँ। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर बाय फ्यूल का ऑप्शन आ रहा है, तो सॉरी सर मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ वो फ्यूल वाले के पास, टंकी में फ्यूल फुल करवाते तभी तो वहां पर फ्यूल आएगा। तो यहाँ पर ये रहा फ्यूल वाला, यहाँ पर अपनी ट्रक लेकर खड़ा है और ये यही टंकी है जिससे वहां पर फ्यूल आता है। तो इसको अभी हम लीवर को घुमा देते ताकि ये ऑन हो जाएगा। ये रहा लीवर, मैं इसको घुमा दिया और ये पेट्रोल भरना भी शुरू हो चुका है टंकी में। और ये रहा फ्यूल वाला भैया, मैं इसको बाय करता हूँ और ये यहाँ पर अपने आप पेट्रोल भर के चले जाएगा। और मैं उसके पास जाता हूँ, वो पुलिस वाले के कार में पेट्रोल भर देता हूँ। और भाई ये पुलिस वाला तो अभी भी रुका हुआ है, मैं इसकी कार में जल्दी से पेट्रोल भर देता हूँ वरना ये अभी भी चले जाएगा। तो इसका पेट्रोल फुल होने वाला है और मुझे इसने $45 दिए, तो इसको मैंने पेट्रोल भर दिया और मेरे पास पैसे हो चुके थोड़े बहुत। अभी भी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हुए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करवाने अपने गैस स्टेशन में, मॉडिफाई कराने, जैसे कि पार्किंग हो गया और मुझे अभी अपना गैस स्टेशन भी साफ करना होगा। देख सकते हो अंदर कैसे कूड़ेदान जैसा मचा हुआ है। अभी मैं अपने कंप्यूटर में जाके ईमेल चेक कर लेता हूँ, बहुत सारे ईमेल्स आए हुए और ये तो जो मैंने डिलीवरी किए थे फ्यूल के वो सब के। और अभी मैं जाकर देख लेता हूँ यहाँ पर कि कस्टमर कोई आया नहीं पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर तो है गाइस एक जन, इसके जल्दी से गाड़ी में फ्यूल भर देते। और अभी रात भी होने रहे तो मुझे अपना गैस स्टेशन बंद करना होगा, इसके कार में फ्यूल भर के बंद कर देता हूँ। और ये क्या, मैंने इसके पेट्रोल ज्यादा भर दिया, शायद से मेरा घाटा हो चुका है, इसका फायदा हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ अपने गैस स्टेशन की, मुझे साफ सफाई भी करनी होगी, तो जाकर देखते स्टोर में क्या क्या है अपने कंप्यूटर को ऑन करके। ये टूल्स में जाते हैं और यहाँ पर जो ट्रैश बैग है साफ सफाई करने के लिए, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे कचड़े, तो मैं एक एक करके उठाता हूँ। यहाँ पर एक बॉटल है और ये आ चुके हैं ट्रैश बैग में, एक एक करके मैं सब साफ कर देने वाला हूँ। और मुझे साफ करते करते सुबह हो चुका है लेकिन अभी तक कचड़े खत्म नहीं हुए। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज है, इसको भी उठाते हैं। और ये क्या, ये तो पोटली बन चुके हैं यहाँ पर, शायद से भरने के बाद ये यहाँ पर जमा हो जाता है और हमें इसे कचड़े के डिब्बे में फेंकना होगा। और यहाँ बाहर भी था, इसको भी फेंक दे। और ये बॉटल भी है यहाँ पर, इसको भी उठाते हैं। और ये देख सकते हो गाइस कितना गंदा मचा हुआ है यहाँ पर, मक्खी उक्खी घूम रहे साइड में, इसको भी साफ कर दिया है मैंने। फिलहाल मैंने यहाँ पर सारे कचड़े साफ कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो जो सामान रखा हुआ है इसे फेंकते हैं। और इसको पहले मैं कचड़े के डिब्बे में फेंक कर आता हूँ। ये रहा, निशाना लगा के मारने वाला हूँ, ये सीधा अंदर ही जाएगा। तो ये अंदर तो नहीं गया लेकिन। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी मजेदार वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो वेट करो, उसके लिए जल्दी आ जाएगा।